भाई वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग बना रहे छत से, तो भी हमने सोचा कि चलो बनाते हैं। और एक नया स्मार्टफोन आया है रियलमी 11 प्रो मैक्स, काफ़ी डिमांड थी कि इसकी भी वीडियो लाई जाए, तो इसलिए आज इस वीडियो में इसी की बात करने वाले हैं और इसी आपके लोग के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। क्या बात कर रहे हैं? तो इस वीडियो को अंदर देख करिए। मेरा नाम है गाना, आप देख रहे हैं लेट्स ट्राई। भाई लोग, ये है 11 प्रो का बॉक्स और ये हमारे पास जो वेरिएंट है वो 8256 का वेरिएंट है। तो हमको अंदर मिलता है इसके अंदर एक सिलिकॉन केस और कुछ डॉक्यूमेंटेशन। नीचे रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन, इसको जल्दी से निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये कुछ स्मार्टफोन आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पीछे लेदर की फिनिश मिलती है, आगे कर्व डिस्प्ले मिलता है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। 10 प्रो प्लस में भी मिलता था ये हमारा कर्व डिस्प्ले। जल्दी से इसको बूट कर लेते हैं। नीचे देख सकते हैं हम लोग को एक मिलता है पावर अडेप्टर जो 80 वॉट का है, लेकिन ये फ़ोन 67 वॉट ही सपोर्ट करता है। और ये टाइप सी केबल, जब हम लोग फ़ोन की बात करते हैं तो हमको मिलता है ये 6.7 इंचेस का एक 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में, तो इसमें रियलमी यूआई मिलती है जो ब्लॉटवेयर से भरी हुई है। इसमें भर भर के आपको एड्स मिलते हैं, नोटिफिकेशन भर भर के मिलते हैं। कुछ आपको सेटिंग्स देखनी पड़ेगी इसकी, उसको ऑन नहीं करना है वरना आपका फ़ोन पूरा हमेशा ऐड से भरा ही रहेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अब कैमरास की, तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और पीछे की तरफ आपको 100 मेगापिक्सल का एक मेन सेंसर मिलता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। तो जब बात करते हैं हम लोग कैमरास की, तो रियलमी के नंबर सीरीज़ के फ़ोन ठीक ठाक रहते हैं, बट अभी जो इस प्राइस रेंज में ये मिल रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ चुका है। V27 आ चुका है वीवो का, और साथ ही में मोटोरोला का H40 जो काफ़ी आजकल वायरल चल रहा है, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, वो IP68 के साथ आता है। तो इस चीज़ का रियलमी को ध्यान रखना चाहिए। मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन की प्राइस थोड़ी कम होती तो और अच्छा होता। तो अब बात करते हैं आप स्मार्टफोन कैसे जी सकते हैं। तो हम लोग आपको बताने वाले हैं, ये गिव अवे पॉसिबल हो पाया है न्यूटेक मोबाइल सेलर दिल्ली की तरफ से, जो उन्होंने हम लोग को ये 11 प्रो का गिव अवे करने की परमिशन दी है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और अब हम आपको बताते हैं कैसे स्मार्टफोन को जीत सकते हैं, इसके स्टेप्स के बारे में। इस फ़ोन को आप कैसे जीत सकते हो, तो मैं आपको एक क्लेम का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ इसमें 3 टास्क हैं, उसको आप जब कंप्लीट करोगे तो आपके 35,000 पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर एक बोनस पॉइंट भी है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको साइन अप करना पड़ेगा उस ऐप पर, तो आपको 10,000 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो आपके टोटल 45,000 पॉइंट्स हो जाएंगे, जिससे आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे।